जा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना, बिठा दो, ये नालायक लोग ये कहाँ बिठाएंगे आपको, कुर्सी पर उतर के बिठा दो, बैठो बैठो बड़ा कुर्सी क्या करो, बैठ बैठ जाओ, नहीं नहीं आप भी करो, रो मत रो मत रो मत रो मत रो रो मत रो मत, चुप रहो चुप रहो, इन्होंने लिखा है भाई चंद्रशेखर जी आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान, मेरे माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, संविधान नहीं है तो आपकी हैसियत क्या आपने कभी महसूस किया, अगर ये संविधान नहीं है तो महिलाओं को क्या अधिकार है आपने कभी महसूस किया। एक एप्लीकेशन मेरे पास और है, एक बच्ची है पुलिस के लोग यहां है, ये बच्ची है कामनी प्रजापति, इसकी उम्र 13 साल है और इनके पिता है भगवान दास प्रजापति जी, निवासी लॉयर्स कॉलोनी दयालबाग, पुलिस के लोग यहां है। इनकी बच्ची एक महीने से गायब है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्यों खड़े हो, बैठ जाओ ना, बिठा दो, ये नालायक लोग ये कहां बिठाएंगे आपको, कुर्सी पर उतर के बिठा दो, बैठो बैठो बड़ा कुर्सी क्या करो, बैठ बैठो बैठो, नहीं नहीं आप भी करो, रो मत रो मत रो मत रो मत रो रो मत रो मत, चुप रहो चुप रहो, इनकी बच्ची 13 साल की बच्ची एक महीने से गायब और अभी तक कोई खबर नहीं है। मुझे इस बात का दुख है मगर मैं करूं क्या, आप लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करोगे, मजबूत नहीं करोगे अपनी पार्टी को तो राजनीतिक ताकत मेरे हिस्से में नहीं आएगी, नहीं आएगी तो पुलिस मेरी बात क्यों सुनेगी, जब तक उनके अंदर ये भय ना पैदा हो कि कब चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी ताकतवरों के सत्ता में आ जाएगी और फिर अगर हमने इनके कहे जो सही काम नहीं किया तो ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, मुकदमे दर्ज करा कर हमें जेल भेज देंगे, हमारी नौकरी ले लेंगे, क्यों करेंगे मेरे हिसाब से काम। आज अगर गरीबों को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है उसके जिम्मेदार आप लोग, क्योंकि आप अपनी राजनीतिक ताकत नहीं बना रहे, आप अपना काम नहीं कर रहे, अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर लो और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके अपनी ताकत बना लो और आपके हिस्से में भी राजनीतिक ताकत आ जाए तो कोई जुर्म जाति अन्य अत्याचार किसी बच्ची पे नहीं हो सकता। एनसीआरबी का डाटा पढ़ो कि क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, अपराधी खुलेआम घूम रहे तुम्हारी वजह से। मुझे सरकार से कोई वो नहीं है शिकवा, क्योंकि मैं जानता हूं सरकार तो यही करेगी, जिनकी सरकार है उनका काम करेगी, आपका काम नहीं करेगी। आपको उनमें कभी कभी भाई अपने नजर आते हैं, आपकी जाति धर्म के लोग जो उन पार्टियों में, कभी कभी आप उनके साथ जाना चाहते हो, लेकिन जब आप पे जुल्म होता है आपको एहसास होता है आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। इन्होंने लिखा है भाई चंद्रशेखर जी आप बहन बेटियों की रक्षा करने वाले और न्याय दिलवाने वाले भगवान, मेरे माता पिता का रो रोकर बुरा हाल है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करता हूं कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हो। क्या करूं मैं, कैसे दिलाऊं न्याय, आप सोचो। जब तक आप अपना काम जिम्मेदार से नहीं करो, जब तक आप ये जो टोपी आपने पहनी है टोपी पहनाना मुझे बदली करोगे।